टारगेट विद्यालय के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं समास पर बात कर रहा हूं और उसमें हमने तत्पुरुष समास तक बात कर दिया है, यानी कि दो समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पर हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो है उसी का पार्ट है, उसी का भाग है। उसमें मैंने भाग किया था जो दो प्रमुख भाग हैं, जिसको हम प्रकारों में भी काउंट करते हैं, प्रकारों में भी गिनते हैं, वो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है। तो हम पहले कर्मधारय समास पर बात करेंगे, पुनः द्विगु समास पर बात करेंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं कर्मधारय समास पर। कर्मधारय जैसा कि नाम है, जथा नामे तथा कामे, जैसा नाम है वैसा ही काम है। कर्मधारय को अगर हम बात करें तो देखें, पहली चीज है कर्म शब्द है और दूसरा शब्द है धारय शब्द है, यानी कर्म का धारण। कर्म का धारण ही क्या है, कर्मधारय है, यानी पहले ही क्या बता दिया जा रहा है कि इसका कर्म कैसा है। तो मैं कविता में भी आपको बताया था कि पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है, ऐसा मैंने आपको बताया भी था। और परिभाषा में भी अगर हम देखें तो यहां पर भी देखेंगे कि जिस समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहां पर दो बातों का गौर करना होगा कि पहला पद क्या है, विशेषण है, यानी पहले पद विशेषण की हम बात करते हैं और दूसरा जो पद होता है वह विशेष्य होता है, यानी विशेषण और विशेष्य का कॉम्बिनेशन बनता है। पहली बात कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होंगे, विशेष्य होंगे। इसके अलावा जो एक पद है, हम विशेषण विशेष्य के रूप में न लिख करके अगर इसमें हम देखें कि पहला पद क्या होगा, उपमेय होगा, और दूसरा पद क्या होगा, उपमान होगा। यानी अगर उपमेय और उपमान की संकल्पना है, वहां पर भी कर्मधारय समासी होगा। हम उपमेय और उपमान को ज्यादातर जो है अलंकार में आपको पढ़ेंगे कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, वहां पर इसको हम बताएंगे, इस रूप में हमको मिलेगा। तो इन दोनों पदों को हम देखेंगे कि कैसा हो रहा है, और तीसरी बात कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, यानी ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो कौन सा पद प्रधान होता है। तो प्रधानता के स्तर पर या मुख्य स्तर पर देखा जाए तो यह भेद किसका है, तत्पुरुष समास का। मैं आपको पहले भी बता चुका कि कर्मधारय समास किसका भेद है, तत्पुरुष समास का भेद है। तो तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस आधार पर भी आप निकाल सकते हैं कि कर्मधारय समास का भी उत्तर पद ही क्या होगा, प्रधान होगा। जब कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होगा तो द्विगु समास का भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। एक कॉन्सेप्ट है, आपको भूलेगा नहीं कि तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं, इसी के भेद हैं, ये मुख्य भेद हैं। इसलिए कर्मधारय समास का भी उत्तर पद ही प्रधान होगा और द्विगु समास का भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। प्रधानता के स्तर पर इस पर मैंने आपको बात किया। अब यहां पर यह देखा जाए कि इसकी परिभाषा आप स्वयं से कैसे बना सकते हैं, परिभाषाओं का निर्माण आप कर सकते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। दूसरे स्तर पर हम जहां पर उपमेय और उपमान
कि युति बनती हो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इस रूपों में भी हम लिख सकते हैं, यानी परिभाषाओं का निर्माण हम क्या कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। अब यहां पर जो है आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे कर्मधारय समास में हम पहचानेंगे कि कोई भी अगर शब्द दिया है तो हम ये कैसे बताएंगे कि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो उसको आइए हम देखते हैं। तो यहां पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा गया है पूर्णांक, लिखा गया है शब्द, लिखा गया है पूर्णांक, लिखा गया है तो पूर्णांक, पूर्णांक में क्या है, पहली चीज हमको क्या मिला, पूर्ण मिला, पूर्ण, और दूसरी चीज क्या मिला, अंक मिला, और यह मिल करके क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो यानी पहला पद ही क्या हो गया, पूर्ण हमारा क्या है, विशेषण है, यानी पहला पद हमारा क्या आ गया, विशेषण हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, यह कर्मधारय समास हो जाएगा। हम देखे आसान शब्दों पर तो बात करेंगे ही, आसान शब्द आप लोग जानते हैं, कुछ विशेष शब्दों पर बात करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि अगर एग्जाम में कुछ ऐसे शब्द भी पूछे जाएं तो आप क्या कर सकें, वहां पर कर सकें, वहां पर निकाल सकें। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमने लिखा अधपका, लिखा अधपका, अब अधपका में क्या है, आधा है, पका कितना है, आधा है, पूरा पका नहीं है, क्या है, पका है, आधा पका है, और आधा क्या है, विशेषण है, इसलिए अधपका में भी क्या होगा, कर्मधारय समासी होगा। अगर हमने लिखा सदगति, हमने लिखा क्या, सदगति, अगर सदगति आ गया और सदगति में पूछा गया कौन सा समास है, तो गति कैसी है, सद है, और सद मतलब अच्छा, यानी अच्छी गति है, इसी को हम क्या कहते हैं, सदगति कहते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा का पुरुष, लिखा का पुरुष, और पूछा गया का पुरुष में कौन सा समास है, तो का पुरुष है, यानी का पुरुष का अर्थ होता है कुत्सित पुरुष, का पुरुष का क्या अर्थ होता है, कुत्सित पुरुष या दुष्ट पुरुष, इसका ये अर्थ होता है, यानी दुष्ट प्रवृत्ति वाला पुरुष, उसी को हम क्या कहते हैं, का पुरुष कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखें, अगर मान लीजिए लिखा गया है सन्मार्ग, लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सन्मार्ग लिखा गया है, और सन्मार्ग में ये पूछा जाए कि कौन सा समास होगा, तो सन्मार्ग मतलब क्या होगा, सतमार्ग होगा, और शतमार्ग यानी अच्छा मार्ग ही क्या होता है, सन्मार्ग कहलाता है। यानी इस रूप में भी आप ये देखेंगे कि कौन सा ये समास होगा, कर्मधारय समास होगा। इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो कुछ शब्दों पर देखें, कुछ प्रमुख शब्दों पर या कुछ प्रसिद्ध शब्दों पर देखें जिसको आप लोग जानते भी हैं, प्रायः आप हर जगह सुनते भी होंगे, जैसे आ गया नील कमल, आ गया नील कमल शब्द लिखा गया है, तो नील कमल शब्द लिखा गया है तो कमल कैसा है, नीला है, आप आसानी से यहां निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा नीलोत्पल, लिखा क्या, लिखा नीलोत्पल, अगर मैंने ये लिखा तो यहां पर कौन सा समास होगा, तो यहां पर ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ना नील है, ये अलग बात है कि यह गुण स्वर संधि बना हुआ है, आप संधि जो होती है, मैं अभी संधि पढ़ाया नहीं हूं, संधि पढ़ाऊंगा वहां पर भी इस बात का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन यहां भी ये जान लीजिए कि संधि में समास होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि समास में संधि हो। तो यहां पर आप देखेगा, उसके बारे में डिटेल बातें होंगी, यहां पर सिर्फ इतना है कि नीलोत्पल है, यानी नील मतलब नीला, और उत्पल, उत्पल मतलब होता है कमल, उत्पल मतलब क्या होता है, कमल होता है, यानी इसका भी अर्थ क्या हुआ, नीला कमल हुआ। अगर ऐसा लिखा गया है शब्द तो यह समझिएगा कि कर्मधारय समास होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये देखें,
अगर मान लीजिए लिखा गया है छुट भैया, छुट भैया शब्द लिखा गया है, तो छुट भैया शब्द अगर लिखा गया है, छुट मतलब छोटा, छोटा भैया, और छोटा क्या है, विशेषण है, भैया भैया है यानी विशेष्य है, यानी यहां पर छोटा भैया होगा और छोटा भैया पहला ही पद हमारा क्या आ गया, विशेषण आ गया, इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है अंधकूप लिखा गया है, अगर शब्द लिखा गया क्या, अंधकूप लिखा गया, अंधकूप, तो अंधकूप में क्या है, कूप कैसा है, कूप मतलब कुआं, कुआं कैसा है, अंध है, यानी कुएं में क्या है, अंधकार है, अंधा कुआं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। तो यहां पर यह देखिए कि पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, अगर ऐसा है तो वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसे शब्दों पर बात करते हैं, क्योंकि समास में कर्मधारय समास को भी विभाजित किया गया है, उसके भी भेद हैं, लेकिन उस सभी भेदों को हम बात नहीं करते हैं, लेकिन उसमें ऐसे कुछ भेदों पर बात करते हैं कि जिसमें जो आपके लिए आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है, एक हम भेद पर बात करते हैं, वह भेद है विशेषणो भय कर्मधारय, क्या है वह भेद, क्या है, विशेषणो, विशेषणो भय कर्मधारय। अब यहां पर ये देखिए, विशेषणो भय कर्मधारय में ये देखिए कि अब इसमें कैसा शब्द आता है, इसको लेकर के थोड़ा सा आपके मन में भ्रम उत्पन्न होगा, लेकिन इस भ्रम को दूर करिएगा, आप किताबों में भी अक्सर पा जाएंगे, लेकिन वह गलत प्रिंट हो गया है या जो कह लीजिए, उसके बारे में हम नहीं बात करते हैं, लेकिन विशेषणों भय कर्मधारय होता है, इसका अर्थ यह हुआ विशेषण का उभय हो गया, यानी विशेषणों भय क्या मतलब, विशेषण का क्या हो गया, उभय हो गया, और उभय का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, उभय यानी उभय यह हो जो दोनों पक्षों में हो। तो अब यहां पर यह कह रहे हैं कि जो विशेषण है उसका क्या हो गया, उभय हो गया, यानी दोनों तरफ विशेषण आ जाए। तो एक कंडीशन यह बनता है कि अगर दोनों तरफ भी विशेषण है तो वहां पर भी कर्मधारय समास होगा। तो अब यहां पर यह देखिए कि यह कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल पहला ही पद आपके विशेषण हो, यह कोई जरूरी नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा ट्रेंड ऐसा है, जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड अभी तक है वह यही है कि पहला पद विशेषण हो रहा है, तो पहला पद अगर विशेषण हो रहा है तो इसलिए कर्मधारय समास होगा, लेकिन कोई यह आवश्यक नहीं है कि यही पूछा जाए। होता क्या है कि हम तैयारियां स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसके बाद से हमारा दिमाग जाता है और तब उसको हम करने लगते हैं। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाए तो पहले आप गलती करें फिर आप उसको सुधार करें, मैं नहीं चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो भी टॉपिक है उसको बखूबी से समझ लें, ताकि वहां पर जो नए प्रश्न भी बने वह गलत न हो। इसलिए आप ये देखिएगा कि मैं कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जो आप सुने नहीं होंगे या सामान्यतः किताबों में आप पढ़े नहीं होंगे, ये इसलिए कि आपका माइंड स्ट्राइक करे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं तो आसान आसान शब्दों को लेकर के लिख दिया जाए जिसका कोई सामान्य अर्थ नहीं निकलता है कि हाँ ठीक है, मैं तो कह दूंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया, लेकिन जब कठिन शब्द आ जाते हैं तो वहां आपको दिक्कत होने लगती है, वहां आपको समस्या होने लगती है। तो यहां पर विशेषणों भय कर्मधारय पे, यह भी कर्मधारय का ही भेद है, कर्मधारय का ही पार्ट है, तो विशेषणों भय कर्मधारय में ऐसा होता है कि विशेषण का उभय होता है। अब यहां पर समस्या आ जाती है कि कुछ लोग विशेषणों भय कर्मधारय को द्वंद्व समास मान लेते हैं,
तो अब जब द्वंद समास मान लेते हैं तो यहां समस्या, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब भी विशेषणों भय कर्म धारय आ जाए तो आप थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहां पर रुकने का प्रयास करिएगा, अगर ऑप्शन में कर्म धारय दिया है तो, नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं। तो अब यहां पर ये हम देखेंगे कि यहां पर क्या कैसे शब्द पूछे जाते हैं। अब यहां पर मान लीजिए एक शब्द मैंने लिखा शीतोष्ण शब्द लिखा, शीतोष्ण शब्द लिखा, अब शीतोष्ण में कौन सा समास होगा ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहां पर क्या है, शीत है और उष्ण है, यानी दो शब्दों से मिलकर के यह बना हुआ है। तो दो शब्द यानी दो पद, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद, या एक पूर्व पद एक उत्तर पद, जैसा मैंने आपको बताते हुए चले आ रहे हैं। तो यहां पर जो शीत है यह क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और उष्ण क्या है, उत्तर पद हो गया। अब यहां पर यह कह रहे हैं कि विशेषण उभय हो जा रहा है, यानी विशेषण जो पहला पद विशेषण है तो दूसरा पद भी क्या आ जाए, विशेषण ही आ जाए, तो वहां पर कर्मधारय समास ही होगा और कोई समास नहीं होगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, यानी ठंडा और गर्म अगर ऐसे देखेंगे तो होगा, लेकिन ठंडा क्या है, शीत क्या है, विशेषण है, उष्ण यानी गर्म क्या है, विशेषण है। तो दोनों पद क्या हो गए, विशेषण हो गए, इसलिए यहां पर द्वंद समास न हो करके कर्मधारय समास ही होगा। आप एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, संभवतः पीजीटी में पूछा गया है या नेट में पूछा गया, कहीं ऐसा ही पूछा गया है, वहां पर अभी भी जो साल पेपर आ रहे हैं उस साल पेपर में संभवतः गलत ही आ रहे हैं और लोग द्वंद समासी उसको साल कर रहे हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, और इस अगर ऐसा शब्द आता है और ऑप्शन में कर्मधारय समास है तो आप इसको कर्मधारय समासी लगाइएगा। अन्य कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर उदाहरण लिखा गया है, यह उदाहरण लिखा गया लाल पीला लिखा गया, लाल पीला। अब यहां पर आपको लगेगा कि योजक चिन्ह लग गया इसलिए द्वंद समास होगा। अभी मैं इसके जब मैं द्विगु पढ़ा लूंगा तो द्वंद भी पढ़ाऊंगा, वहां योजक चिन्ह का बात बताऊंगा और शब्द छिपे होने की बात बताऊंगा, ठीक है, वो एक अलग कंडीशन है, कब होगा तो देखेंगे। यहां पर ये देखिए लाल क्या है, विशेषण है, पीला क्या है, विशेषण, और मैंने ये बताया कि दोनों पद क्या हो, विशेषण हो, तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास ही होगा। और उस कर्मधारय को किस नाम से जानते हैं, विशेषणों भय कर्मधारय के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए इसी को लिख दिया गया है नील पीत लिख दिया गया, एक ही में हो सकता है लिख दिया जाए नील पीत, अगर ऐसा लिख दिया गया तो, अगर मान लीजिए शब्द लिख दिया गया श्याम सुंदर लिख दिया गया, ऐसा लिख दिया गया है श्याम सुंदर, एक ही में लिख दिया गया, और इसमें पूछा श्याम सुंदर में कौन सा समास होगा, और श्याम सुंदर में अब श्याम भी दिया है और सुंदर भी है, श्याम सांवला और सुंदर मतलब सुंदर, तो यहां पर श्याम भी विशेषण है और सुंदर भी विशेषण है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अभी मैं बहुव्रीही पर भी इसका बात करूंगा तो वहां पर हम आपको तुलना करके बताएंगे कि कैसे कौन सा समास को वरीयता दिया जाए। यहां पर यह जानिए कि जहां पर दोनों पद क्या हो, दोनों पद अगर विशेषण हो तो वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समासी हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है। तो यहां पर आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में, हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यह थोड़े से आपको कठिन लगेंगे, किताबें ऐसा नहीं लिखी हैं, फिर भी आप यह जानिएगा कि यहां पर विशेषणों भय कर्मधारय, और विशेषणों भय कर्मधारय नहीं देगा बल्कि क्या देगा, कर्मधारय समासी ऑप्शन में देगा, तो यहां आप द्वंद समास नहीं लगाएंगे, कर्मधारय समासी टिक करेंगे। हम जब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए होंगे तो वहां पर इस बात को और भी प्रश्नों के रूप में बात करेंगे। तो ये हमारा रहा कर्मधारय समास रहा। इसके बाद हम आते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास के पहले ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं
ये संभव नहीं है कि सारे उदाहरणों पर बात की, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप ले लेंगे और उसको आप एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो पुनः आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको इस डाउट को क्लियर करूंगा। अब इसके बाद हम आते हैं अगले द्विगु समास पर आते हैं, तो अगला है इसी का भेद है, किसका, तत्पुरुष समास का द्विगु समास, यानी यह भी भेद है। तो मैंने बताया कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहां पर एक बात क्लियर है कि द्विगु समास में भी कौन सा पद प्रधान होगा, द्वितीय पद ही प्रधान होगा यानी उत्तर पद ही प्रधान होगा, अगर प्रधानता के स्तर पर देखा जाए तो द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा और पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। ये तो आपको पता ही है कि द्विगु में पहला गणना पद आवत है, यानी पहला पद क्या होगा, गणना पद आता है। तो अगर पहला गणना पद आता है तो वहां पर कौन सा द्विगु समास होगा, गणना पद। तो पहले हम द्विगु शब्दों पर ही बात कर ले कि द्विगु में कौन सा समास होगा, यानी ये द्विगु जो है द्विगु में ही कौन सा समास होगा, तो द्विगु में पहली चीज जानिए द्विगु समास ही होगा। द्विगु में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, यानी यहां पर द्विगु में द्विगु समास ही होगा। अब द्विगु का अर्थ क्या होता है, द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समाहार ही क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। यानी यहां पर पहला पद ही क्या है, संख्या है, इसलिए द्विगु समास में ही कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। आगे कुछ शब्दों पर बात करते हैं और उसको देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं और कैसे पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए लिखा गया है, शब्द लिखा गया है अठकोण, अगर ऐसा लिखा गया, अठकोण शब्द लिखा गया, अठकोण, तो अठकोण में पहला पद क्या हो गया, आठ हो गया, यानी संख्या हो गया। तो अठकोण में पहला ही पद क्या है, संख्यावाची है, इसलिए कौन सा समास, द्विगु समास। दूसरे शब्दों पर हो सकता है इसको अष्टकोण लिख दिया जाए, ऐसा लिख दिया जाए, तो अठकोण कहिए या अष्टकोण कहिए, बात क्या है, एक ही है, यानी पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची। इसके अलावा अगर हम शब्दों पर बात करें, एक शब्द है पसेरी, शब्द है पसेरी, तो पहली चीज अगर ये कुछ आपको समझ में ना आ गए, मान लीजिए कि पसेरी शब्द दे दिया गया और पूछा गया ये कौन सा समास होगा, तो आप क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे, इसका आप ध्यान रखिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं वह आपको आते ही हो, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो नहीं आता है, लेकिन हम कैसे चलेंगे, निगेशन से चलेंगे। निगेशन का मतलब यह हुआ किसके ऑप्शन से चलेंगे। अब मान लीजिए कि इसका कोई ऑप्शन बनाएगा ही बनाएगा, अगर मान लीजिए वह ऑप्शन ए बी करके बनाया है, मान लीजिए ए ऑप्शन बनाया अव्ययी भाव समास, ऐसा बनाया जा सकता है अव्ययी भाव, यह लिखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इसमें बनाया तत्पुरुष समास बनाया, ऐसा लिखा जा सकता है और पूछा जा सकता है तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन इसमें बनाया कर्मधारय समास, कर्मधारय, और डी ऑप्शन बनाया द्विगु समास, और हमको ये आ नहीं रहा है कि यह कौन सा समास होगा, हमको आ नहीं रहा है। अब यहां पर हम करेंगे क्या कि ये देखेंगे कि कौन सा समास होगा, जहां तक मैंने पढ़ा है, यानी जहां तक आपको मैंने पढ़ाया है। तो पहले देखिए क्या अव्ययी भाव समास हो सकता है, तो आप ये देखेंगे कि अव्ययी भाव समास में कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो पहली चीज उपसर्ग हो, उपसर्ग है नहीं तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। दूसरी चीज यहां कोई पहला पद ऐसा नहीं मिल रहा है अन्य लगाने पर कि जो हमको यह बता दे कि दूसरा पद हट जाएगा तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्य कंडीशन में आपको पसेरी जो है अव्ययी भाव समास नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज
अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए तत्पुरुष समास, तो यहां पर देखिए तत्पुरुष समास में कभी कारक चिन्ह कोई विग्रह करिए तो कारक चिन्ह आएंगे, नहीं आएंगे कारक चिन्ह, जब नहीं आएंगे इसका कैसे हम करें, कोई भी आप इसका विग्रह कर लीजिए तो विग्रह में कारक चिन्ह नहीं आएंगे, तो कारक चिन्ह जब नहीं आएंगे तो यहां पर तत्पुरुष समास नहीं होगा। कर्मधार समास यानी यह भी नहीं होगा, कर्मधार समास कर्म का पहले ही कर्म का धारण करवा दे यानी पहला पद विशेषण हो, यानी पहला पद विशेषण भी इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए कर्मधार समास भी क्या होगा, नहीं होगा। अब आते हैं द्विगु समास पे, तो द्विगु समास पे यानी प शेरी है, प से लग रहा है कि पांच शेर की बात हो रही है, तो पांच शेर की जब बात हो रही है तो यहां क्या हो गया, पांच क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, यानी पांच शेर है और पांच शेर पहला पद संख्या है, इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। यानी कभी कभी क्वेश्चंस न आते हुए भी आप आंसर को कर सकते हैं निगेशन फॉर्म से। इसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य बात करते हैं, अन्य शब्दों पर बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया है, अगर यह शब्द लिखा गया है, नवरत्न लिखा गया है, ठीक है, रत्न कितने हैं, नौ रत्न है, नौ रत्न मतलब यहां नौ संख्यावाचक है, रत्न रत्न यानी नौ रत्नों का समूह हो गया, नौ रत्नों का समाहार हो गया, तो यहां पर भी क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अगर मान लीजिए इसके अतिरिक्त हमने शब्द लिखा सतसई, शब्द लिखा सतसई, अगर यह मैंने लिखा, इसके अतिरिक्त मैंने क्या लिखा, तिरंगा लिखा, यानी तिरंगा सतसई मतलब 700, तिरंगा मतलब क्या हो गया, तीन रंग। अगर हमने पंचवटी लिखा, पंचवटी यानी पंचवटी मतलब पांच बट जहां हो वहां पर पंचवटी होगा, तो यहां पर भी पहला पद क्या होगा, संख्यावाची हो गया, इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ अन्य शब्दों पर ये देखें, तो अगर मान लीजिए लिखा गया है दुधारी, लिखा गया है दुधारी, लिखा गया है और पूछा गया है दुधारी में कौन सा समास हो गया, तो दुधारी मतलब क्या है, दुधारी मतलब ये मत सोचिएगा कि दूध देने वाली, ऐसा नहीं है, दुधारी मतलब क्या होगा कि दो धार वाली, यानी दो धार। अब दो धार तलवार की भी हो सकती है, दो धार आपके ब्लेड की भी हो सकती है, दो धार आप किसी का बना लीजिए, यानी दो धार यहां पर दो धार से मतलब है, और दो धार पहला पद संख्या है, इसलिए यहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखें कि अगर शब्द लिखा गया है पंच प्रमाण, अगर यह शब्द लिखा गया पंच प्रमाण, प्रमाण कितने हैं, पांच हैं, पांच प्रमाण हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या, द्विगु समास हो जाएगा। यानी ऐसे तमाम आपको शब्द मिलेंगे कि जो ये सिद्ध करेंगे कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। यहां पर हम कुछ अपवादों पर बात करते हैं या कुछ प्रश्न पूछने के तरीकों पर बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह कुछ आपत्ति होगी कि पंचवटी में तो बहुव्रीहि समास हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, होगा, लेकिन कब होगा यह देखा जाए। तिरंगा में भी होगा, सतसई में भी हो सकता है, अन्य भी विकल्पों पर हो सकते हैं। हम बहुव्रीहि समास पढ़ाएंगे वहां पर, अभी पहला पद जो है एक दंत आएगा संख्यावाचक, उस पर भी त्रिनेत्र आएगा, उस पर भी त्रिलोचन आएगा, उस पर भी चतुरानन आएगा, उस पर भी, यानी ऐसे कुछ शब्द आएंगे, तो वहां पर भी हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में नहीं होगा और कैसे नहीं होगा। पहले इस पर हम थोड़ा सा बात कर लें, इन शब्दों पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखिए कि ये लिखा गया है क्वेश्चन, जो लिखा गया है ये पूछा गया है सतसई पूछा गया है। अब सीधा सीधा अगर दे दिया जाए क्वेश्चन कि सतसई में कौन सा समास है,
अगर सीधा उन्होंने क्वेश्चंस पूछा तो आप सीधा आंसर लगाइए कि द्विगु समास है। उन्होंने पूछा तिरंगा में कौन समास है, द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रश्न पूछने का तरीका उन्होंने बदल दिया, क्या कर दिया। अब मान लीजिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि बिहारी जी ने, शब्द ऐसे पूछा कि बिहारी जी ने क्या लिखा, बिहारी जी ने सतसई लिखा, सतसई लिखा। अब सतसई लिखा तो अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि सतसई को अंडरलाइन कर दिया और यह पूछ लिया कि सतसई में कौन सा समास होगा, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो। अब बिहारी जी ने सतसई लिखा, अब पूरे सेंटेंस को लेकर के चलिए, ना कि अब यह पर्टिकुलर शब्द रह गया है, तो यहां पर पर्टिकुलर यह शब्द नहीं रह गया है। अब यहां पर क्या है, यह एक वाक्य के अंतर्गत आ रहा है और वाक्य का अर्थ दे रहा है। अब यहां शब्द विशेष का अर्थ नहीं है बल्कि वाक्यगत विशेष का अर्थ है, तो वाक्यगत जब अर्थ हम देखेंगे तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। भले ही ऑप्शन में द्विगु समास ही क्यों ना हो लेकिन नहीं लगेगा। अब यहां पर देखिए सतसई क्या है, ग्रंथ है जो बिहारी जी के द्वारा लिखा गया है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो यानी सतसई इसमें सात सौ, सत मतलब सात और सही मतलब सौ, यानी सात सौ की बात की गई है। तो सात सौ दोहे लिखे गए हैं लेकिन यह ग्रंथ है बिहारी जी ने, यहां पर क्या है कि यह ग्रंथ की बात की जा रही है। तो ग्रंथ के संदर्भ में यानी पुस्तक के संदर्भ में यह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो जब किसी वाक्यगत के वाक्य में लिखा जाए तब यह शब्द का अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा और उत्तर भी आपके बदल जाएंगे। तो अगर यहां पर भले ही आपको ऑप्शन में क्यों नहीं द्विगु दिया हो लेकिन आपको द्विगु समास नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, बहुव्रीहि समास लगेगा। क्या लगेगा, बहुव्रीहि समास लगेगा, क्योंकि अब यहां पर संख्यावाची से मतलब नहीं है, यहां पूरे सत सत का अर्थ दे नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर हम बात करें तो अब यहां पर यह देखें कि कैसे मैं कह रहा हूं कि नहीं आपको यहां पर द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सत सत का अर्थ नहीं दे रहा है, सई सई का अर्थ नहीं दे रहा है। सत शत का अर्थ न दे, सई सई का अर्थ न दे और दोनों मिलकर बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, ऐसा मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, समास के लेक्चर में आपको बताया है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य पद की विशेषता को दर्शित करते हैं तो वहां पर क्या हो जाते हैं, बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। तो अब यहां सत सत का अर्थ न देकर, सई सई का अर्थ न देकर क्या अर्थ दे रहा है, एक ग्रंथ का अर्थ दे रहा है, एक पुस्तक का अर्थ दे रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है और यह पूछ लिया गया, जो पूछा गया है अगला पर हम बात करते हैं, अगर यह पूछा गया है कि तिरंगा पूछा गया या पंचवटी पूछा गया है, शब्द पूछा गया, तो तिरंगा पूछेगा तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पंचवटी पूछेगा तभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह द्विगु समास ही होगा, आप एक क्लियर रहिए। कुछ लोग पंचवटी को लेकर के हमेशा प्रश्न उठाते हैं, नहीं ये बहुव्रीहि समास होगा, अभी इस पर हम जिक्र करते हैं। तिरंगा अगर मान लीजिए लिखा जाए प्रधानमंत्री जी ने, यानी लिखा गया है प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, लाल किले पर तिरंगा फहराया, लाल किले पर तिरंगा फहराया। अब तिरंगा फहराया और यह पूछ लिया गया कि तिरंगा में कौन सा समास है,
अगर ऐसा पूछा गया है तो, अगर ऐसा पूछा गया है तो अब यहां पर तिरंगा का क्या अर्थ निकलेगा? झंडा से निकलेगा। तिरंगा का अर्थ नेशनल फ्लैग से निकलेगा, यानी यहां पर जो है इसका अर्थ होगा राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय तिरंगा। यहां पर केवल तिरंगा, तिरंगा मतलब क्या होता है? तीन रंग। अगर सामान्य रूप में लेंगे, अगर पूछा गया तिरंगा में कौन सा समास होगा, तो तिरंगा मतलब जहां तीन रंगों का समाहार हो वहां पर क्या कहते हैं हम उसे? तिरंगा कहते हैं। जैसे कोई भी रंग हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी रंग हो, अगर तीन रंग है तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अगर ये तीन रंगों को मिला दिया जाए और ये कहा जाए, अब इसमें पूछा जाए ये क्या है, तीन रंग हो गए और तीन रंगों में अब ये क्या हो गया? तिरंगा हो गया। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो आपके मस्तिष्क पर चल रहे हैं कि वही जो है केवल सफेद होगा, बैगनी और हरा होगा, यह और केसरिया होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। यानी कोई भी हम तीन रंग अगर मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? तिरंगा बन जाएगा। लेकिन अब यह तिरंगा झंडा थोड़ी ना है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज थोड़ी ना है, यानी यहां पर कोई तीन रंग मिला करके हम तिरंगा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज इसको नहीं कहेंगे। इसलिए अगर केवल तिरंगा पूछा जाए तो ये समझिएगा कि तीन रंगों का समाहार है और द्विगु समास है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, अब ये थोड़ी ना है कि इस तिरंगे को फहरा देंगे प्रधानमंत्री जी लाल किले पर। अब वहां पर जो तिरंगा है उसका अर्थ क्या हो गया? उसका अर्थ हो गया राष्ट्रीय ध्वज हो गया। यानी इस अर्थ में क्या जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज के अर्थ में जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर? तिरंगा, यानी यहां पर यह कौन सा समास होगा? बहुव्रीही समास होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम पंचवटी पर इसी तरीके से बात करते हैं, अगर मान लीजिए पंचवटी शब्द है तो पंचवटी में पांच बट होते हैं। पंचवटी में क्या होता है? पांच बट होते हैं। बट मतलब वृक्ष होता है। अगर पांच बट हैं, पांच वृक्ष हैं, पंचवटी अगर लिखा गया है और पंचवटी यानी पांच वटों का समाहार, यानी पांच वृक्ष जहां पर हो उसे हम क्या कह देंगे? पंचवटी कह देंगे। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई पांच बट लगा दिया जाए कहीं पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? पंचवटी कहेंगे। लेकिन हमको क्या है, दिमाग में इमेज कहां जाता है, कहां से हमको प्रॉब्लम आती है? हम तुरंत लेकर चले जाते हैं रामायण में, लेकर के चले जाते हैं, यानी त्रेता युग में हम लेकर के चले जाते हैं, और त्रेता युग में सीता जी के पास चले जाएंगे। सीता जी पंचवटी में निवास करती थी, इसलिए पंचवटी जो है वह बहुव्रीही समास होगा। पंचवटी नाम लेते ही एक इमेज बन जाती है, तो आप जो है उसको बहुव्रीही समास कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पंचवटी मतलब पांच वट, और कहीं पर पांच वट अगर लगा दिए जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पंचवटी कहेंगे। तो पांच वटों का, पांच वृक्षों का एक समूह हो गया, एक स्थान हो गया, तो वहां क्या हो गया? पंचवटी हो गया। तो ग्रामीण परिवेश में ऐसे नाम भी पड़ते हैं, बहुत सारे नाम पड़ते हैं, जैसे बसवारी पड़ता है। अगर गांव में आप देखते हो तो लोग कहते हैं कि बसवारी में चले जाओ। बसवारी मतलब तो बांस होता है, बांस मतलब वंश। अगर उसको हम तत्सम में रूप में तो वंश बाग कहेंगे, बांस का तत्सम होता है वंश, और बारी यानी बाग होता है, वंश बाग कहेंगे। तो यानी उसको हम तद्भव रूप में क्या कह देते हैं? बसवारी कहते हैं। तो एक जहां पर बांस लगाया गया उसे हम बसवारी कह दिए। ऐसे ही जहां पर पांच वट लगाए गए उसे हम क्या कहे? पंचवटी कहेंगे। अब यहां सीता जी निवास करती थी, सीता जी वहां पर, तो उसका नाम था अशोक वाटिका, जिसमें वो निवास करती थी। उसका नाम मूलतः नाम क्या था? अशोक वाटिका था। वहां पांच वट लगे हुए थे लेकिन उसका नाम क्या था? अशोक वाटिका। लेकिन हम पंचवटी पर भी अगर बात करें तो यहां पर भी देखें तो अब पंचवटी अगर अलग से कहीं पर पांच वट लगा दीजिए तो पंचवटी हो जाएगी, और
कहीं पर लगाएंगे तो 5 बट हो जाएगा, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, 5 बट यानी पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, तो यानी यहां द्विगु समास होगा। दूसरे कंडीशन में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया गया, क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन का नेचर बदल दिया गया और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, सीता जी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सीता जी पंचवटी में, ऐसा पूछा गया सीता जी पंचवटी में निवास करती थी, अगर मान लीजिए ऐसा पूछा गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया और इसमें कह दिया गया कि पंचवटी में कौन सा समास होगा। अब यहां पर बात अलग हो जाएगी, अब यहां पर बात ये जो है अलग चली जाएगी और अब यहां आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास होगा, तब यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, अब सीता जी पंचवटी में निवास करती थी, अब यहां पंचवटी यानी पंच जो है 5 का अर्थ नहीं दे रहा है, वटी जो है वट का अर्थ नहीं दे रहा है, यानी वृक्ष का अर्थ दे रहा नहीं रहा है, 5 5 का अर्थ न दे, वट यानी वृक्ष वृक्ष का अर्थ न दे और दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रदान कर दे, यानी वह स्थान विशेष का अगर अर्थ दे देता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़ दिए, इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं यह डिपेंड करेगा और उसके तब हम उत्तर पर बात करेंगे। यह नहीं है क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जाए तो हम जो है उत्तर वही, ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वह गले में चौलड़ी पहनी थी, ऐसा ही एक बार क्वेश्चन आया है और चौलड़ी को जो है उसने अंडरलाइन कर दिया है, तो चौलड़ी मतलब होता है 4 लड़ियां, अगर केवल पूछा जाए चौलड़ी में कौन सा समास है तो आप 4 लड़ी के रूप में देखेंगे तो इसमें कौन सा द्विगु समास होगा, लेकिन वह गले में चौलड़ी पहनी हुई है, तो अब गले में चौलड़ी पहनी हुई है तो अब चौलड़ी मतलब होता है 4 लड़ियों की माला, यानी 4 4 का अर्थ न दे, लड़ी लड़ी का अर्थ न दे और दोनों मिलकर किसका अर्थ दे दे, माला का अर्थ दे दे, तो अब ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऐसे रूप में हम कौन सा समास करेंगे, बहुव्रीहि समास करेंगे, यानी इस रूप में तो पूछने का जिस प्रकार से नेचर होगा वैसा ही हमारा उत्तर लगेगा। यानी आशा ये करते हैं कि यह जो है द्विगु समास भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस रूपों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रयास किया गया कि बातें आसानी से आपको समझ में आ जाएं। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का स्वागत होता है और उस पर हम पुनः प्रॉपर जवाब देंगे, तो यानी जो चीजें नहीं समझ में आएगा उस पर हम जवाब देंगे। और इसके अतिरिक्त जो आपको नेक्स्ट बच जाते हैं, यानी हमारे द्वंद्व समास बच जाते हैं, बहुव्रीहि समास बच जाते हैं, इन दोनों को कराने के बाद हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। यानी अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं उस पर हम बात करेंगे और कुछ नए प्रश्नों पर भी हम बात करेंगे। वैसे भी जो मैं उदाहरण लेता हूं, प्रयास ये करता हूं कि कुछ नया उदाहरण रहे, ये नहीं रहे कि वही घिसा पिटा जो सदियों से चला रहा है उसी उदाहरण पर बात करें, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है, नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस पे अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा आपका रिजल्ट भी रहेगा और आपका जब रिजल्ट रहेगा तो आपको तो प्रसन्नता मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ मुझे भी हर्ष होगा कि मेरा पढ़ाया जो है वह सफल हो गया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।